alaikum ADP Class. In the last lecture, we have discussed about the definition and types of monetary policy. Today, in this lecture, we will discuss objectives of monetary policy. What is the monetary policy? As we have discussed earlier, monetary policy. ज द एक्सरसाइज ऑफ सेंट्रल बैंक कंट्रोल ओवर द मनी सप्लाई एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी सेंट्रल बैंक की डिजाइन करदा मॉनिटरी पॉलिसी का जो सबसे इंपॉर्टेंट और जनरल एक ऑब्जेक्टिव है इट इज टू अचीव द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हमने पहले भी डिस्कस किया सेंट्रल बैंक के लिए मुनाफ़ा कमाना ानवी हैसियत रखता है सेंट्रल बैंक का सबसे अहम मकसद मुल्क की इकनॉमिक स्टेबिलिटी है इस अहम मकसद को हासिल करने के लिए सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर इस्तेमाल करता है यानी इकनॉमिक कंडीशंस के मुताबिक बाज़ात मनी सप्लाई में कंट्रेक्शन करके या बाज़ात मनी सप्लाई में एक्सपेंशन करके यानी कभी उसको कम करके और कभी ज़्यादा करके बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने की कोशिश करता है जो कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को हासिल करने में सेंट्रल बैंक की मदद करते हैं आज हम देखने जा रहे हैं कि वो कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि इस उसका जो जनरल ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की अचीवमेंट इसको हासिल करने के लिए सेंट्रल बैंक की मदद करती हैं और इन तमाम तर मकासद को तमाम तर ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए मनी सप्लाई एज एन इंस्ट्रूमेंट कैसे जो है वो काम करती है दी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी इज टू अचीव अ डिजायरेबल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट मॉनिटरी पॉलिसीज कैन इन्फ्लुएंस इंफ्लुएंस लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनमी फॉर एग्जाम्पल एन एक्सपेंटिरी मॉनिटरी पॉलिसी जनरली डिक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट बिकॉज दी हायर मनी सप्लाई स्टीमुलेट बिजनेस एक्टिविटीज डेट लीड्स टू द एक्सपेंशन ऑफ द जॉब मार्केट अनएम्प्लॉयमेंट को मॉनिटरी पॉलिसी की मदद से ख़त्म किया जा सकता है अगर इकॉनमी में अनएम्प्लॉमेंट बहुत ज्यादा फैल जाए तो ऐसी सूरत हाल में सेंट्रल बैंक एक्सपेंशरी मॉनिटरी पॉलिसी अप्लाई करता है एक्सपेंचरी मॉनिटरी पॉलिसी आप जानते हैं इसके बारे में आपको अच्छी तरह आप इसका तारुफ रखते हैं उसकी वजह एक्सपेंशरी मॉनिटरी पॉलिसी और कंट्रेक्चरी मॉनिटरी पॉलिसी मॉनिटरी पॉलिसी की दो इकसाम हैं जिनके बारे में हमने इन डिटेल पिछले लेक्चर में स्टडी किया था एक्सपेंचरी मॉनिटरी पॉलिसी से मुराद है कि मनी सप्लाई को ज्यादा किया जाए सेंट्रल बैंक के पास बहुत सारे ऐसे टूल्स जिनको हम आने वाले अगले लेक्चर में इन डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे टूल्स हैं जिसके ज़रिए सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को स्टिमुलेट कर लेता है ज़्यादा कर लेता है और ज़्यादा करने का ये जो अमल है ये एक्सपेंडिचरी मॉनेटरी पॉलिसी कहलाता है बहरहाल उन टूल्स को अप्लाई करते हुए मनी सप्लाई को ज़्यादा कर दिया जाता है पीछे मकसद जो है वो है अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए जब मनी सप्लाई को में इजाफा किया जाता है तो इसकी वजह से तीन मेकनिज्म के जरिए अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म किया जा सकता है पहली बात जब मनी सप्लाई में इजाफा किया जाता है तो ये बिजनेस एक्टिविटीज को स्टिमुलेट करती है किस तरह पहला जो मेकानिज्म है वो ये कि अगर मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी तो कीमतें ज़्यादा हो जाएंगी जैसे कि हमने क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में स्टडी किया था कि बढ़ती हुई मनी सप्लाई कीमतों को ज़्यादा कर देगी जब बहुत ज़्यादा सर थोड़ी चीज़ों के पीछे भागेगा तो कीमतें ज़्यादा हो जाएंगी जब कीमतें ज़्यादा हो जाएंगी तो जो बिज़नेस कम्युनिटी है इन्वेस्टर्स हैं उनके प्रॉफिट बढ़ जाएंगे जब प्रॉफिट इंसेंटिव बढ़ जाएगा तो वो ज़्यादा मिकदार में इन्वेस्टमेंट करेंगे और एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा फिर मनी सप्लाई की इंक्रीज करने से हम जानते हैं कि मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट में नेगेटिव रिलेशनशिप पाया जाता है अगर मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाए तो इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा तो इन्वेस्टर्स को कर्जा सस्ता दस्तियाब होगा नतीजतन वो ज़्यादा मिकदार में कर्जा लेके ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे इस तरह जो तीसरा मेकानिज़म है मनी सप्लाई के इंक्रीज़ हो जाने से मनी की इकोनॉमी में सर्कुलेशन बढ़ेगी और ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में एक तेज़ी होगी कंजम्पशन लेवल इंक्रीज़ करेगा और ये भी बिज़नेस जो एक्टिविटीज़ हैं उसको ज़्यादा कर देगी इस तरह तीन तरह की इस मेकानिज़म के नतीजे में मनी सप्लाई में होने वाला इजाफा इन्वेस्टमेंट लेवल को इंक्रीज कर देता है और इन्वेस्टमेंट लेवल के बढ़ने का मतलब है कि अभी हमें तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पहले से ज्यादा मिकदार में रिक्वायर्ड होंगे चुनाची इकोनॉमी में इंप्लायमेंट लेवल इंक्रीज कर जाता है जॉब मार्केट पहले की निस्बत एक्सपेंड हो जाती है दूसरा ऑब्जेक्टिव इट इज टू स्टेबलाइज प्राइसेस मॉनिटरी पॉलिसीज कैन टारगेट इन्फ्लेशन लेवल्स आ लो लेवल ऑफ इन्फ्लेशन इज कंसिडर्ड टू बी हेल्थी फॉर द इकॉनमी इन्फ्लेशन इज हाई अंट्रैक्टरी मॉनिटरी पॉलिसी कैन एड्रेस दिस इशू हम जानते हैं कि इकॉनॉमी में ना तो इन्फ्लेशन अच्छा इशू है और ना ही डिफ्लेशन इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों इकोनॉमी के लिए मसाइल पैदा करते हैं चाचे सबसे बड़ा एक टारगेट जो कि मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए सेंट्रल बैंक हासिल करना चाहता है इट इज़ दी स्टेबिलिटी ऑफ प्राइसेस प्राइसेस में इस्तेकाम रखना चाहता है क्योंकि हम जानते हैं कि जो इन्फ्लेशन है वो इकॉनमी के लिए जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो जाना कतन अच्छा नहीं है हाँ अलबा इन्फ्लेशन का एक नॉर्मल रेट पर जो है वो बढ़ना वो इकॉनॉमी के लिए फिर भी हेल्दी है क्योंकि बहुत ही स्लो रेट पर बढ़ती हुई इन्फ्लेशन इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्टमेंट मेक के लिए इंसेंटिव क्रिएट करती है चाहे इन्वेस्टमेंट लेवल बढ़ता है एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है इनकम डिमांड और मार्केट्स एक्सटेंड होने लगती हैं लेकिन अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई हो तो फिर जरूरत होती है कि इस शदीद इन्फ्लेशन से इकोनॉमी को बाहर निकाला जाए क्योंकि बढ़ती हुई शदीद इन्फ्लेशन लोगों की परचेसिंग पावर को कम कर देती है ऐसे लोग जिनकी आमदनी फिक्स होती है वो बहुत ज्यादा मुश्किल का शिकार हो जाते हैं इस हाई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आम तौर पर कंट्रेक्शरी मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो इस्तेमाल की जाती है जिसके तहत कोशिश की जाती है कि ऐसे टूल्स इस्तेमाल किए जाएं जिसके नतीजे में मनी सप्लाई इकोनॉमी में पहले की निस्बत कम हो जाए इन द सेम वे एन अदर ऑब्जेक्टिव विच सेंट्रल बैंक ट्राइज टू अचीव विद दी हेल्प ऑफ दी मोनिटरी पॉलिसी इट इज़ टू चेक दी देश इन दी इकोनॉमी हम जानते हैं कि इकोनॉमी में मुसलसल ट्रेड ट्रेड साइकिल जो हैं वो आते रहते हैं इकोनॉमी जब ग्रो करती है तो कभी भी बिल्कुल स्मूथली ग्रो नहीं करती अगर दुनिया की तमाम आज की तरक्की याफ्ता मीशतों का हम जायजा लें तो हम देखते हैं कि उनमें तरक्की का अमल कभी भी स्मूथ नहीं रहा उनकी नेशनल इनकम जब मुख्तु सालों में हमें मुसलसल बढ़ती हुई नज़र आती है तो अगर हम इन डिटेल उनकी उन उन सालों की इकोनॉमी का जायज़ा लें तो हम देखते हैं कि उनकी इकोनॉमीज़ में मुसलसल अप्स एंड डाउन आते रहे कभी तो ऐसा हुआ कि तमाम तर इकनॉमिक एजेंट्स जैसे इन्वेस्टमेंट डिमांड सप्लाई इन्वेस्टमेंट सब ये सब के सब जो है वो बहुत तेज़ी के साथ जो है वो बढ़ते नजर आए और कभी ऐसा हुआ कि इन तमाम तर इकोनॉमिक के एजेंड में एक जो है वो बहुत स्लो डाउन का अमल शुरू हुआ हती कि ये अपने मिनिमम पॉइंट पर पहुंच के जिसको हमने डिप्रेशन का नाम दिया गोया इकोनॉमी में मुसलसल अपस एंड डाउन आते रहते हैं कभी तो प्रॉस्पेरिटी खुशहाली नज़र आती है और कभी जो है वो सरबसारी इस किस्म की जो शदीद इन्फ्लेशन और शदीद डिफ्लेशन या शदीद किस्म की जो है वो प्रॉस्पेरिटी जिसको हम जो है वो बहुत एक्सट्रीम नईत का जो है वो बूम या प्रोस्पेरिटी कहते हैं या बहुत ही शदीद किस्म की सरबजारी या डिप्रेशन ये इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है मॉनेटरी पॉलिसी के ज़रिए सेंट्रल बैंक कोशिश करता है कि इकोनॉमी कभी भी जो है इतनी शदीद जो है वो प्रॉस्पेरिटी या डिप्रेशन का शिकार ना हो तो इस किस्म की फ्लक्चुएशन से बचने के लिए मोनिट्री पॉलिसी के टूल्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है वो इस्तेमाल किया जाता है ताकि इकोनॉमी ट्रेड साइकिल का शिकार ना हो और स्मूथली जो है इकोनॉमी में ग्रोथ का अमल जारी रह सके एन अदर ऑब्जेक्टिव इज टू स्टेबलाइज एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ अ सेंट्रल बैंक कैन रेगुलेट द एक्सचेंज रेट्स बिटवीन डोमेस्टिक एंड फॉरन करेंसीज़ फॉर एग्जाम्पल bank बैंक मे इंक्रीज money मनी सप्लाई issuing more मोर करेंसी इन सच case, the करेंसी बिकम्स चीपर रेलेटिव टू इट्स फॉरन काउंटर पार्ट्स हम अपने मुल्क की करेंसी को उसकी जो स्पेशली एक्सटर्नल वैल्यू है उसको हमेशा स्टेबलाइज रखने की कोशिश करते हैं हमने फॉरन एक्सचेंज का टॉपिक स्टडी किया कि किस तरह एक्सचेंज रेट डिटर्मन की जाती है किस तरह हमारे मुल्क की करेंसी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अदर कंट्रीज करेंसी हम डिटर्मन करते हैं ये हमारे मुल्क की करेंसी की एक्सटर्नल वैल्यू कहलाती है हर मुल्क की हर इकोनॉमी की यह ख्वाहिश होती है कि मुल्क की करेंसी की जो एक्सटर्नल वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ अदर करेंसीज वो स्टेबल रहे वो मुस्तकम रहे उसमें बहुत तेजी के साथ अप्स एंड डाउन्स ना आए क्योंकि तेजी के साथ आते हुए अप्स एंड डाउंस इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होते हैं चुनाचे सेंट्रल बैंक इस एक्सचेंज रेट को हमेशा रेगुलेट रखने की कोशिश करता है और उसके तहत फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी एक एंड पे एग्जाम्पल लें कि अगर सेंट्रल बैंक ये देखता है कि उसकी एक्सपोर्ट जो हैं वो बहुत कम हैं और इम्पोर्ट जो हैं वो ज़्यादा हो रही हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट होता चला जा रहा है तो सेंट्रल बैंक आम तौर पर मनी सप्लाई में जो है वो इजाफा कर देता है कैसे इजाफा करता है वो करेंसी जो है वो मज़ीद इशू कर लेता है ज़्यादा अपने ही मुल्क की करेंसी को ज़्यादा मेदार में जारी करके मनी सप्लाई में इजाफा कर देता है इस तरह अब चूंकि हमारे मुल्क की करेंसी की सप्लाई बेवामी जो मंडी है उसमें ज़्यादा हो जाती है नतीजाता मुल्क की जो डोमेस्टिक करेंसी है वो दूसरी करेंसीज़ की नस्बत जो है वो सस्ती हो जाती है गोया हमारी कमोडिटीज़ जो हैं वो बैरूनी दुनिया के लिए सस्ती हो जाती हैं नतीजाता हमारे मुल्क की एक्सपोर्ट्स फटती हैं और इम्पोर्ट्स नस्बता कम हो जाती हैं और बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो डेफिसिट का अमल है उससे हम बाहर आ जाते हैं इस तरह करेंसी में की वैल्यू को कम भी कर, किया कर दिया जाता है और बाज हम करेंसी की वैल्यू को ज्यादा भी कर देते हैं गोया करेंसी की वैल्यू डि वैल्यू भी की जा सकती है और इसमें इजाफा भी किया जा सकता है मकसद सिर्फ यही होता है कि करेंसी की जो एक्सटर्नल वैल्यू है वो स्टेबलाइज स्टेबल रहे ना तो बहुत ज्यादा हो जाए और ना ही बहुत कम एन अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉनिटरी पॉलिसी इज टू मिनिमाइज अप्स एंड डाउन इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इनफेक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट की भी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट आमतौर पर डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी जो है उसके जो है वो तोन से तय पाती है अगर इसमें बहुत तेजी के साथ जो है वो तब्दीली आती रहे तो फिर जाहिर है कि सारे के सारा जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें बहुत तेजी के साथ उनको अपनी बैलेंस शीट्स में तब्दीलियां करना पड़ेंगी इसलिए कोशिश की जाती है कि इसमें भी अप्स एंड डाउन जो है वो मिनिमाइज किए जाएं, कम से कम किए जाएं क्योंकि फ्लक्चुएशंस इन इंटरेस्ट रेट अफेक्ट द एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज अ डिक्लाइन इन इंटरेस्ट रेट ब्रिंग्स एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट लेवल वाई एन इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट इन्वेस्टमेंट लेवल टू डिक्रीज ऑन द अदर हैंड इट इज द मनी सप्लाई विच अफेक्ट्स इंटरेस्ट रेट इनवर्सली सो सेंट्रल बैंक एम्स एट स्टेबलाइजिंग इंटरेस्ट रेट बाय चेंजिंग मनी सप्लाई थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी ये तो हमने पहले भी ये रिलेशनशिप स्टडी किया कि इंटरेस्ट रेट और इन्वेस्टमेंट का आपस में नेगेटिव रिलेशनशिप है इन्वेस्टमेंट इज द फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट इन इन्वेस्टमेंट लेवल जो है वो इंटरेस्ट रेट से अफेक्ट होता है अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगी तो इन्वेस्टमेंट लेवल कम हो जाएगा क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ती है तो इसका मतलब है इन्वेस्टर्स को अब जो भी वो कर्ज़ा अवेल करेंगे उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगी इसलिए वो कम मकदार में कर्जा लेने पर मजबूर होते हैं जबकि कम होती हुई इंटरेस्ट रेट इन्वेस्टमेंट लेवल को बढ़ा देती है क्योंकि कर्ज़ा सस्ता हो जाता है इसलिए ज़्यादा मकदार में इन्वेस्टमेंट की जाती है चाची कोशिश ये की जाती है कि इंटरेस्ट रेट को जो है वो स्टेबल रखा जाए ताकि इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ तब्दीलियाँ ना आएँ बहुत ज़्यादा इकोनॉमी में अप्स एंड डाउंस ना आएँ ये भी देखने में आया है कि इकोनॉमी में जो ट्रेड साइकल्स सामने आती हैं उसके एक पीछे वजह इंटरेस्ट रेट में होने वाली फ्लक्चुएशंस भी हैं चुनाच सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को स्टेबल रखे, उसमें आने वाले अप्स एंड डाउन को मिनिमाइज करके कोशिश करता है कि इकोनॉमी में ट्रेड साइकिल्स भी पैदा ना हो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा तेजी के साथ फ्लक्चुएशंस ना आए बल्कि इकोनॉमी जो है वो स्मूथली रन करे। अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉनिटरी पॉलिसी इज टू द पेस ऑफ इकोनॉमिक डिवेलपमेंट इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पर्पज ऑफ द मॉनिटरी पॉलिसी क्योंकि आज के दौर में देखिए हर वो मुल्क जो कि अभी तक इकोनॉमिकली डेवलप्ड नहीं है उसका सबसे इम्पोर्टेंट उसका जो मकसद है वो यही है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के टारगेट को अचीव किया जाए और वो जो कि इकोनॉमिक इकोनॉमिकली डेवलप्ड हैं और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का टारगेट हासिल कर चुके हैं उनके सामने सबसे अहम मकसद ही यही है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बरकरार रखा जाए गोया इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हासिल करना या तो मकसद है या इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बरकरार रखना चाचा इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है और सेंट्रल बैंक अपनी मॉनिटरी पॉलिसीज इसके टूल्स की मदद से इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो पेस है उसकी जो रफ्तार है उसको मुतासर कर सकता है another objective of the monetary policy is to stabilize an organized money market to achieve this purpose central bank sells and purchases government quotas, shares debentures by keeping in view the economic conditions of the country central banks sells shares in inflation to slow down the velocity of money and purchases shares इन डिफ्लेशन टू बूस्ट अप दिलासिटी ऑफ मनी सेंट्रल बैंक मनी मार्केट का जो है उसको पूरे का पूरा ऑर्गेनाइजर होता है वो मनी मार्केट को मुकम्मल तौर पर ऑर्गेनाइज करता है इसलिए कि मनी को इशू करने की अथॉरिटी ही सेंट्रल बैंक के पास होती है चाचे सेंट्रल बैंक अपनी इशूड मनी के मदद से इसके अलावा गवर्नमेंट कि सिक्योरिटीज़ की मदद से शेयर्स डिवेंचर्स की मदद से कोशिश करता है इकॉनमी में जो मनी मार्केट्स हैं वो बिल्कुल ऑर्गेनाइज रहें उनमें स्टेबिलिटी कायम रहे चाची ऐसे मकसद के लिए सेंट्रल बैंक की हमेशा कोशिश होती है कि इकोनॉमी में ना तो इन्फ्लेशन हो और ना ही डिफ्लेशन हो इन्फ्लेशन के दौर में सेंट्रल बैंक अपने मुख्त टूल्स को इस्तेमाल करते हुए गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को और शेयर्स को सेल आउट कर देता है इस तरह इकॉनमी में मनी की वेलोसिटी, मनी की जो गर्दिश है वो कम हो जाती है और हम शदीद इन्फ्लेशन के दौर से बाहर आ जाते हैं और इसी तरह अगर इकॉनमी में डिफ्लेशन फैल जाए ज़र की कमी हो जाए तो वो शेयर्स को परचेज करना शुरू कर देता है जब शेयर्स को परचेज कर लेता है सिकोरटीज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को परचेज कर लेता है तो बहुत बड़ी मनी की क्वांटिटी सेंट्रल बैंक से अवाम की तरफ शिफ्ट हो जाती है यूं इकॉनमी में वेलोसिटी ऑफ मनी जो है वो बूस्टअप होती है उसकी मिकदार जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है गोया इन्फ्लेशन में सेंट्रल बैंक शेयर्स को परचेज करके कोशिश करता है शेयर्स को सेल आउट करके कोशिश करता है कि मनी को अवाम से अपनी तरफ शिफ्ट कर ले और इस तरह शदीद इन्फ्लेशन से हम बाहर आ जाएं, जबकि डिफ्लेशन में शेयर्स को परचेज करके मनी सप्लाई को अवाम की तरफ शिफ्ट किया जाता है ताकि वेलोसिटी ऑफ मनी को बूस्टअप किया जा सके एन अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज टू सेव गोल्ड रिजर्व्स इन इकोनॉमी। एज वी नो द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स ऑन इट्स गोल्ड रिजर्व्स दी मोर द गोल्ड रिजर्वस एन इकानमी हैज़ द मोर स्टेबल इट विल बी सो मॉनिट्री पॉलिसी एम्स एट स्टेबलाइजिंग दी गोल्ड रिजर्व इन दी इकॉनमी गो या किसी के पास गोल्ड के ऐायरे जितने ज़्यादा होंगे वो इकॉनॉमी उतनी ही ज़्यादा स्टेबल होगी इसलिए ज़रूरी है कि मॉनिट्री पॉलिसी कभी भी इकोनॉमी के अंदर गोल्ड के जो रिजर्व्स हैं उनको कम होने ना दे बल्कि अगर वो कम होना शुरू हो जाए तो अपने मॉनिटरी पॉलिसी के टूल्स को इस्तेमाल करते हुए उसमें अजाफी के लिए इकदाम करेंट द लास्ट ऑब्जेक्टिव विच विल डिस्कस हेयर इज टू इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल Central bank designs monetary policy in such a way that the poorest segment of the economy does not suffer economically at any cost, but by controlling inflation and deflation. Monetary policy aims at increasing the standard of living of the people at the as the first decreases their purchasing power and लेटर डिक्रीज द्लॉयमेंट लेवल पूरेस्ट सेगमेंट ऑफ द इकॉनमी बहुत ही पुअर पीपल ऐसे लोग जो कि आम तौर पर पॉवर्टी लाइन से भी नीचे जिंदगी बसर कर रहे होते हैं चुनाच मोनिटरी पॉलिसी के जरिए जनरली तो तमाम तर जो है वो लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने की कोशिश की जाती है लेकिन स्पेशली कंसंट्रेट करने किया जाता है पूरे सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी पर कि जो बहुत ही ज़्यादा जो है वो गरीब होते हैं और इसमें कोशिश की जाती है कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों को कंट्रोल किया जाए क्योंकि इन्फ्लेशन हो या डिफ्लेशन दोनों इकोनॉमी के लिए मसाइल पैदा करते हैं जैसे कि यह हमने मेंशन भी किया दी फर्स्ट द फर्स्ट इज़ दी इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन डिक्रीजेस देयर परचेजिंग पावर इन्फ्लेशन जो है वो पोअस्ट सेगमेंट की स्पेशली परचेजिंग पावर को कम कर देती है ये आमतौर पर फिक्स्ड इनकम वाले या डेली वेजस लोग हैं इनकी इनकम चूंकि फिक्स्ड होती है या बहुत कम होती है या जितनी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होती है उसके हिसाब से इनकी वेजेस नहीं बढ़ रही होती तो नतीजातन इनकी परचेजिंग पावर बहुत तेज़ी के साथ कम हो रही होती है क्योंकि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन या महंगाई फैल रही होती है और इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत तेज़ी के साथ कम होता है एंड द लेटर डिक्रीज द इम्प्लॉयेंट लेवल लेटर यहाँ हमने किसको डिस्कस किया डिफ्लेशन को तो डिफ्लेशन जो है वो एम्प्लॉयमेंट लेवल को जो है वो कम कर देता है क्योंकि कम होती हुई प्राइसेस इन्वेस्टर्स के लिए एक डिसइंसेंटिव साबित होती हैं वो इन्वेस्टमेंट को कम कर देते हैं और उसमें डाउनसाइजिंग का अमल पैदा कर देते हैं जब इन्वेस्टमेंट जो है वो कम हो जाती है तो एम्प्लॉयमेंट लेवल ख़ुद ब खुद कम हो जाता है और बहुत वसी पैमाने पर बेरोज़गारी फैल जाती है इस तरह लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत तेज़ी से कम होता है चुनाची मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों को कंट्रोल करके दोनों को स्टेबलाइज रख के प्राइसिस को के स्टेबिलिटी के जरिए कोशिश करती है कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाया जाए उसको वो किसी भी लिहाज से जो है वो कम होने ना पाए